नमस्कार। हिंदुस्तानी छोरियां क्या छोरों से कम हैं? अगर यकीन नहीं आ रहा तो आप जापान से लेकर इंग्लैंड तक नजर दौड़ा लीजिए। जापान के टोक्यो में मीराबाई चानू ने जहां मेडल जीतकर तहलका मचा दिया, तो वहीं इंग्लैंड में चल रहे द हंड्रेड लीग में हिंदुस्तान की महिला क्रिकेटर दहाड़ रही हैं। शनिवार को जेमिमा रोड्रिग्स इतनी जबरदस्त पारी खेलती हुई नजर आई कि आप भी देखकर बोल पड़ेंगे, हिंदुस्तानी नारी सब पर भारी। इंग्लैंड में खेली जा रही नई लीग द हंड्रेड में शनिवार को नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स और वेल्श फायर वुमेन के बीच हेडिंग्ले में मैच खेला गया। इस मैच में वेल्श फायर वुमेन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 गेंदों में 8 विकेट खोकर 130 रन बनाए। इस छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की हालत एक समय इतनी खराब थी कि 19 रन पर ही उसके 4 विकेट गिर गए थे। एक तरफ जहां विकेट की लाइन लगी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ ओपनिंग करने उतरी हिंदुस्तानी बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स एक छोर थामे हुई थी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही थी। 43 गेंदों की अपनी पारी में जेमिमा रोड्रिग्स इस कदर बेखौफ होकर खेल रही थी कि उन्होंने एक छक्के और 17 चौकों के साथ नाबाद 92 रन ठोक दिए। पारी की शुरुआत करने उतरी जेमिमा रोड्रिग्स आखिरकार अपनी टीम को जिताकर ही लौटी। उनकी इस धमाकेदार पारी के दम पर नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स ने यह मैच 4 विकेट के नुकसान पर 85 गेंदों में ही जीत लिया। जेमिमा रोड्रिग्स की ये पारी कितनी खतरनाक थी, ये आप इसी से समझ सकते हैं कि उनकी टीम में जेमिमा के अलावा एलिस डेविडसन ही सबसे ज्यादा यानी कि 23 रनों की नाबाद पारी खेल सकी। अपनी टीम को एक तरफा जीत दिलाने वाली जेमिमा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं उनकी टीम 2 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई। जेमिमा की धुआंधार पारी पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।